लंच अभी देखिए ये नदी किनारे हो रहा है और क्या नज़ारा है कि नदी बह रही है और हम नदी के बीच में पत्थर और थोड़ी सी फिशिंग करी है। मुझे लगता है कि हमने करीब 1 kg के आसपास हमने फिश यहाँ पे लोकल फिश ले ली है और भूख लग रही थी तो अब सोचा कि लंच किया जाए। घर से ये चटनी रोटी और साथ में एक अंडे का ऑमलेट भी था और 2 मोटी मोटी रोटियाँ थी और खा करके सच में ऐसे आनंद आया जैसे कि मुझे लगता है कि आप किसी भी बड़े रेस्टोरेंट में या किसी भी 5-star होटल में जाकर के भी आपको वो आनंद प्राप्त नहीं हो सकता जो कि यहाँ पे मुझे मिला और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। अभी लगभग 2 बज रहे हैं, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे नदी की तरफ और शाम की तरफ जो है लोग फिर घर निकलेंगे। क्लाउडी है थोड़ा सा और बहुत ही प्लेजेंट है वेदर और वो जो है देखिए आप उनको फोकस करिए, वो हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे गांव के लोग हैं और वो जो है हमारे साथ सवेरे फिशिंग करने के लिए आए हुए हैं। थोड़ा क्लोजअप में ले ले तो थोड़ा क्लोजअप कर ले तो सबने मतलब अच्छी फिशिंग हो रही है। अभी लंच का टाइम है, बस अब लंच करने के बाद नदी का पानी पी करके और फिर दोबारा फिशिंग के एक और राउंड हो जाएगा। और ये जो कैमरा मैन जो है आपको ये जो देख रहे हैं, 1 मिनट थोड़ा मेरा हाथ आगे आ गया है, अरे ये है हमारा छोटू जसपाल जो कि बहुत ही अच्छा फिशिंग मास्टर है और ये मुझे लेकर के आया है और बहुत ही अच्छा लगा इसके साथ। छोटू कैसा लग रहा है फिश करने के बाद, मतलब मच्छी मारने में कैसा मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। हैं, अच्छा लग रहा है तो दोबारा फिर आएंगे हम लोग। ओके डन, बाय बाय।